नमस्कार दोस्तों, पीवीआर स्टडी में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार शुक्ला, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.5 आगे कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। ये पार्ट 4 है, इसके पहले 3 पार्ट हो चुके हैं, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें मान ज्ञात करना है किसका, 99 का क्यूब। ये क्या है, 99 की घात 99 का क्यूब, और इसको सिंपली गुणा करके नहीं लाना है, इसमें सर्व समीका का प्रयोग करके लाना है। कौन सी सर्व समीका लगेगी ये आपको बताना है। बताइए कौन सी सर्व समीका। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 99 को, 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 का क्यूब। चलिए अब हम इसमें कौन सा सर्व समीका लगा देंगे, ए बी, यानी ए माइनस बी। 100 को ए लिख सकते हैं, 1 को बी, तो यानी ए माइनस बी वाली सर्व समीका लगा सकते हैं। चलिए, तो अगर हम ए माइनस बी का होल क्यूब लिखते हैं तो आप बताइए कि ये सर्व समीका क्या होती है, सब लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए देखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी। माइनस है तो इसमें सभी माइनस होते हैं, कोई भी प्लस नहीं होता है, तो ठीक है। यहाँ पर ए बराबर क्या है, 100, और बी बराबर क्या है, 1। इसी ए और बी का मान सर्व समीका में रख देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 100 का क्यूब ए की जगह पे, माइनस 1 की जगह पे, बी की जगह पे 1 का क्यूब, माइनस 3 × 100 इंटू 1, फिर 100 माइनस 1। ठीक है, चलिए, एक 100 का क्यूब क्या होगा, 100 का क्यूब यानी 1000000। 2 है तो 2 3 बार हो जाएगा, 1 2 3, तो कितना आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, 10 लाख हो गया। माइनस 1 माइनस 3 × 100 यानी 3 × 100 300, 300 × 1 300, फिर 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 99 का 300 में मल्टीप्लिकेशन आसान है, तो इस वजह से हम इसको 99 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। नहीं तो हमारे पास यहाँ पर एक बेस्ट तरीका ये भी है, 100 माइनस 1 ही रहने देंगे और 300 को एक बार 100 में गुणा करेंगे और एक बार 1 में गुणा करेंगे, जैसे इसके पहले करते थे। तो चलिए देखते हैं, इसमें अब ऐसे बता दे रहे हैं, अगले क्वेश्चन से इस तरह से बता देंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या हो जाएगा, 10 लाख माइनस 1 माइनस 300 × 99 मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाए, 0 0 3 9 जा 27, के 7 कैरी 2, 3 9 जा 27 2 29, 29,700। अब 10, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो पहले इसको इसमें से प्लस कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस और इसमें से माइनस, तो चलिए देखते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस, ये इसमें से प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 29701, ये वाला इसमें जुड़ जाएगा और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। तो अब आगे 10 लाख में से 29,701 माइनस कर देंगे, यही बगल में लिख कर माइनस कर लीजिए। कैसे करेंगे, 10 लाख यहाँ लिखेंगे, 6 जीरो है, 2 4 2 6 जीरो, माइनस करेंगे 29,701, इधर लिखेंगे 10792। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, यहाँ से आ कैरी 9 में से 10, यहाँ से आए ये बना कितना, 10 में से 1 गया 9, 9 9 में 7 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7 और 9 कितना आ गया, 970299। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर, आंसर मैच करवाइए, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम 99 को पहले चेंज करेंगे 100 माइनस 1 में, ए और बी मानेंगे, सर्व समीका लिखेंगे, मान रख देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, आप खुद से ट्राई करिए, ट्राई करके आंसर निकालिए, आंसर निकाल के कमेंट करिए,
और बताइए कितना आ रहा है। तब तक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है 102 का क्यूब। ये बहुत ही आसान है, सेम इसी तरह है। चलिए देखते हैं, सब लोग करिए, साथ में करिए, या फिर हम बता रहे हैं, अगर नहीं आएगा आप पहले करिए फिर हम बताएंगे। चलिए देखते हैं, 102 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो अब इसमें कौन सी सर्वसंख्या लगाएंगे, ए प्लस बी का क्यूब वाली, क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab, यहाँ इंटू रहता है ए प्लस बी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ए इक्वल टू क्या है, 100, और बी क्या है, 2। ए 100 है और बी 2 है, ए और बी का मान यहाँ रख देंगे, 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 × 100 इंटू 2 और फिर 100 प्लस 2। चलिए ये क्या हो जाएगा, 1000, 100 का क्यूब क्या हो जाएगा, 10 लाख, यानी 2 2 2 6 0, प्लस 2 2 4 2 9 8, प्लस 3 2 6 600 600, 100 प्लस 2, हम इसको 100 प्लस 2 लिख देंगे। अब इस 600 से एक बार 100 में मल्टीप्लाई, इसके पहले जैसे करते थे 100 में मल्टीप्लाई, ऊपर क्या हमने किया था, इसको इसको ऐड कर लिए, ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 102 प्लस 600, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, होगा तो बहुत ही आसान, लेकिन कि इस तरह से भी इसको करते हैं हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। 600 का फिर 2 में होगा, तो इस तरीके से ये प्लस 600 × 100, 600 × 100 कितना हो जाएगा, 6 लिख के 4 0, ये 0 ये 0 दोनों हो जाएगा और 60,000 आ जाएगा, प्लस 600 × 2 कितना हो जाएगा, 1200, ठीक है 1200। तो ये अब हम बस केवल सबको क्या करना, ऐड करना है, 10 लाख, 10 लाख प्लस 8 प्लस 60,000 प्लस 1200, इन सबको केवल ऐड कर लेना है। तो चलिए देखते हैं, ऐड करना आपको आना चाहिए, जीरो लेवल मैथ में भी आपको बताया जाता है। तो 60,000, 0000 06, 60,000, फिर 1200 भी लिख लेंगे और 8, इन सबको ऐड करना है, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 8021601 इतना आ गया, हम इसको जल्दी से भी यहाँ से भी ऐड कर सकते, देखिए सबके यूनिट डिजिट पर, इकाई संख्या पर क्या है, 0008, तो क्या आ जाएगा, 8। फिर इसके आगे बढ़ेंगे, 00, यहाँ कुछ नहीं है, 0, तो 0 आ गया। फिर तीसरा डिजिट देखेंगे, 2 2 2 आ गया। फिर चौथा डिजिट देखेंगे, 1 1 1 ही रहेगा, 1 आ गया। फिर अब ये भी खत्म हो गया, पांचवा डिजिट यहीं पे है, केवल इसमें है, इसमें 0 है, तो 6 प्लस 0 6 हो गया। फिर अब ये सारे खत्म होंगे, बचा ये, तो 10 लिख दें। इस तरीके से केवल यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ से अगर नहीं कर पा रहे हैं, गलती होने के चांस है, तो ऐसे नीचे लिख करके आप प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका कंप्लीट। अब इसके इसका देखते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट भी क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 998 का क्यूब, थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में क्या है, 998 का क्यूब, तो 998 को क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 2, 1000 के करीब है कि घात 3, 1000 के करीब है, तो 1000 से कितना कम है, 2, तो 1000 माइनस 2 की घात 3। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब वाला लगाएंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब यहाँ पर ए क्या है, 1000, बी क्या है, 2, तो हम इसको इसमें रखेंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए 1000 की घात 3 माइनस 2 की घात 3 माइनस 3 × 1000 गुड़े बी की जगह पे 2 और फिर 1000 माइनस 2,
ठीक है, 1000 की घात 3, इसको 3 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 घात है, 3 3 बार लिख देंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, कितना बन जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार दस हजार, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 1 अरब। फिर माइनस 2 की घात 3, 2 2 4 2 9 8, माइनस 3 2 6 गुणे 1000 और 6000, 6000 हो गया। अब ये 1000 माइनस 2 ऐसे लिख लेंगे, और इस 6000 से इसमें दोनों में मल्टी, एक बार 6000 से 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये 1 अरब ऐसे लिख लेंगे, 2 3, 1 2 3, 3 3 3, माइनस 8, इसका इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 6 कम 6, माइनस के साथ 6, 3 0 इसका, 3 0 इसका, 6 0, 6 0 क्या बन जाएगा, 60 लाख, 2 2 4 6, माइनस 6 2 12, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 2 12 हजार, ठीक है, 12 हजार। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये प्लस इसमें जुड़ जाएगा, तो जब ये इसमें जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहीं से अगर जल्दी से करें तो 1 2 3 0, 1 2 3 0, 0 0 0 जुड़ेगा, 0 ही रहेगा, 2 में 0 जुड़ेगा, 2 और 1, 5 डिजिट, 5 डिजिट इधर से 1 2 3 4 5 निकालें, बचे कितना, 1 2 3 4 0, 0 0 0 और 1, इसको 12000 में जोड़ेंगे, 1 अरब को 12000 में जोड़ेंगे, इतना आ जाएगा, 1 अरब 12000, और फिर 60 लाख को 8 में जोड़ेंगे, माइनस के साथ कितना आ जाएगा, 60 लाख 1, 60 लाख 8, 8, ठीक है। अब इसको इससे माइनस कर देंगे, यहाँ पर देखिए कर लेते हैं, 1 0 0 0 0, 12000 माइनस करेंगे क्या, 8 0 0 0, 0 कितना, 0, 3 2 5, 3 2 5, और फिर 6, अब इसको माइनस कर लेंगे, यहाँ से आया, यहाँ से आएगा कैरी, 10 10 में से 8 गया 2, 9 में से 0 गया 0, 9 में से 0 गया 0, 9 में से 0 गया 9, फिर यहाँ क्या बचा है, 1, 1 में से 0 जाएगा, 1 ही रहेगा, फिर यहाँ पे 1, 1 ही रहेगा, और फिर ये 0 है, यहाँ से कैरी आएगा, 10 में से 6 गया 4, फिर ये 9 और ये 9, कितना आ गया, 9 9, आंसर क्या है, 9 9 4 0 1 1 9 9 2, ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा लेंदी है, कैलकुलेटिव है, लेकिन कि आपको केवल सूत्र में रख करके आंसर लाना है, तो आसान ही है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको आइडेंटिटी में रखना है वैल्यू और पाना है आंसर। तो चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताते चले, आंसर को भी कमेंट करके बताते चले, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 8 आपका, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ये फिर से एक गुणनखंड ज्ञात करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये कुछ अलग टाइप का है, देखते हैं किस टाइप का है। अब सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ भी घात 3, यहाँ भी घात 3 लगी है, यानी कि पक्का ये घात 3 वाले का है, यानी कि हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी हमारी एक क्या होती है, हमें पता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 AB, और ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब। अगर हम इस फॉर्म में इसको बना ले जाएं तो हम इस पूरे को इतना लिख सकते हैं, तो यानी कि अगर हम इसको क्या लिख दें, 2 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, 2 A का क्यूब, इस 8 A के क्यूब को हम लिख सकते हैं 2 A का होल क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस, अब यहाँ पर देखिए 3 AB होता है, क्या हम इसको 3 AB के रूप में लिख सकते हैं, अगर लिखेंगे 3 × a क्या है, 2a, b क्या है, b क्या है, b ही है, अब 3 × 6 और b,
तो ये 3 दूनी 6 AB आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर भी है, यानी कि इसमें अभी हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी और यहाँ ए बी होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ इसमें और इसमें दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, वो कॉमन क्या है, अगर हम बात करें कॉमन की, तो चलिए इसको अगली लाइन में लिख लेंगे। पहले हम इसको देखते हैं कॉमन लेकर के, तो ये पहली लाइन में क्या लिखेंगे, 8 a³ प्लस b³ प्लस, इसमें कॉमन क्या है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 दूनी 12, 6 कॉमन ले लिए। प्लस इसके बाद a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, a कॉमन ले लिए, b भी यहाँ है और b भी यहाँ है, ab कॉमन ले लिए, 6 ab कॉमन ले लिए। तो अंतर में यहाँ पर क्या बचेगा, 2, और a कॉमन ले लिए, 2 a था, 1 a बचा, 2 a यहाँ पे बचा है, और यहाँ पर जब 6 ab कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, b प्लस b बचा हुआ है। तो 6 ab 2a+b, अब देखिए कुछ इस तरह से हमें दिखने लगा है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2a³ प्लस b³, यानी a³ प्लस b³ प्लस 3 ab। अब इसको 3 ab के रूप में अगर चेंज करेंगे, 3 × a क्या है, 2a × b क्या है, b। अब देखिए 3 ab 6 ab आ जाएगा, 3 × 2 = 6 ab, 6 ab आ रहा है, यानी कि अब 2a+b हो गया, यानी कि अब इस पूरे को हम a+b के क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। ये पूरा क्या हो गया, a³ + b³ + 3 ab a+b इस रूप में हो गया। अब इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, a+b³। तो a हमारे पास क्या है, 2a, और b क्या है, b, 2a+b³ लिख सकते हैं। और हमारे पास जो गुणनखंड आया वो क्या आ गया, 2a+b, फिर 2a+b और फिर 2a+b, जब ये हमारा गुणनखंड हो गया इसका, जब हम इसको 3 बार गुणा करते हैं तो हमारे पास यही आ जाता है। तो इस तरीके से इसको हम आइडेंटिटी यानी सर्वसमिका की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। जैसे अगर लिखा रहता है x³, तो क्या x × x × x, इसका मतलब यही तो होता है। तो बस इसी तरीके से ये क्यूब था, इसको 3 बार में लिख दिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से क्या होता है, दूसरा भी क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसी का पार्ट 2। ठीक है, आप इसको खुद से भी ट्राई करिए, और उसके बाद नहीं आएगा तो हम बताएंगे। तो चलिए ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये भी सेम पहले के तरह ही है, इसमें केवल यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कहीं ये माइनस वाला तो नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं, इसको भी उसी तरीके से करते हैं। सबसे पहले यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, तो इनमें से कुछ कॉमन लेके पहले बना लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 8 a³ माइनस b³ माइनस, कॉमन क्या है, 6 ab, दोनों में कॉमन है। जब 6 ab कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, ये माइनस है, माइनस अंदर में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा, 6 कॉमन ले लिए, 2 a बचा, और प्लस है, माइनस कॉमन ले लिए, तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, 2a-b। अब हमें पता चल गया 2a-b आ रहा है, तो ये माइनस वाली आइडेंटिटी का गुणनखंड बनेगा। क्या a-b³ बराबर क्या होता है, a³ - b³ माइनस 3 ab और a+b, तो उसी तरीके से ये भी बनने वाला है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। 8 a³ को क्या लिख, 2a³ लिख देंगे, माइनस b³ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अब इस 6 ab को हमें नहीं पता क्या बनेगा। ठीक है, हमें तो केवल बस 3 ab के रूप में इसको बनाना है, किसके रूप में, 3 ab के रूप में बनाना है। तो हमने लिख दिया माइनस 3 × a, हमारे पास क्या है, 2a, और b हमारे पास क्या है, b। अब ये अपने आप 6 ab बन जाएगा, हमें यहाँ पर क्या बनाना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बस हम 3 × a और b के रूप में लिखेंगे और देखेंगे बना उतना कि नहीं बना। तो 3 × 2 = 6 और ab, 6 ab अपने आप बन जाएगा, बस बस सिर्फ आपको इतना काम करना है। अब ब्रेकेट में 2a-b, अब ये देख लीजिए, ab, 3 ab, a-b, सेम इसी तरह की आइडेंटिटी हमारे पास बन गई। तो हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, a-b³ के रूप में लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पर वही लिख देंगे, क्या लिख देंगे, a-b, यानी a क्या है, 2a-b क्या है, b, 2a-b³। और इसको क्या लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में,
टू ए माइनस बी, फिर टू ए माइनस बी, फिर टू ए माइनस बी, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। अब इसके दो पार्ट हो गए हैं, इसके तीन पार्ट और हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और PBR स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।